सबसे पहले तो मैं बार फाउंडेशन ऑफ इंडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने लेह को चुना और यहाँ से अपना प्रोग्राम किक ऑफ करा है। साथ ही मैं बोलना चाहूँगा कि इन अ सेंस इट इज़ फॉर्चुनेट फॉर लद्दाख, जैसा ऑनरेबल एमपी साहब ने कहा कि देर आर मैनी लर्निंग्स फ्रॉम लद्दाख बोथ एट द ट्रेडिशनल लेवल, एट द लेवल ऑफ वॉट वी आर डूइंग टूडे, also at the level of what we are planning today for Ladakh. So there are many lessons which we can possibly give to the rest of the country, and that is important for us. Kyunki jo hum karna chahte hain wo bina pure desh ki madad ke nahi ho sakta. To yahan par hum jo kar rahe hain, karna chahte hain, uska message agar pure desh mein pahunchta hai, this is very good for Ladakh. मैं फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, सिर्फ इतना ही कि ये जो सुमंगलम प्रोग्राम है जिसमें 5 तत्व शामिल हैं, एक तत्व का एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो रहा है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, 5 तत्वों पर ही डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस आर बीइंग हेल्ड एंड शेल बी हेल्ड। द आइडिया ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज़ दैट एक तरफ तो देश का डेवलपमेंट हो, दूसरी तरफ देश की जो थिंकिंग है उसमें एक चेंज आए, उसमें एक डेवलपमेंट हो। हम किस तरह से देश को डेवलपमेंट के पाथ पर ले जा रहे हैं, ये देखना ज़रूरी है। नाउ दिस इज पॉसिबल बाय द मैसेजेस सहाय साहब ने जो पढ़ के सुनाया, दैट आर वी हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर स्पोक ऑफ दैट इन COP। That means India was not there simply to tell कि मैं इतना टारगेट फिक्स कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ा रहा हूँ। नो, इट इज़ नॉट। हिज विजन इज मच लार्जर देन दैट। हिज विजन इज दैट यस, आई एम डूइंग समथिंग, बट द एंटायर वर्ल्ड हैज़ टू थिंक ऑफ दिस डायरेक्शन इन विच वी आर मूविंग, और जिसमें उन्होंने इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन की बात करके एक लिंक दिया है कि पूरे देश को, पूरे विश्व को उस डायरेक्शन में देखना चाहिए। एनवायरनमेंट जब हम बात करते हैं तो एक अमेरिकन टर्म काफ़ी यूज़ होता है, ग्लोबल कॉमन्स। ग्लोबल कॉमन्स में एनवायरनमेंट भी आता है, हमारे समुद्र भी आते हैं, द ओशंस। बिकॉज इफ़ वी डैमेज दीज ग्लोबल कॉमन्स, देन द एंटायर ह्यूमैनिटी गेट्स इनटू प्रॉब्लम। देयरफॉर टुडे व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज कल्चर सस्टेनेबिलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अग्नि तत्व, वन ऑफ द पंचभूत। सबसे पहले मैं जो माननीय MP साहब ने कहा उसको रिपीट करना चाहूँगा, लद्दाख हैज़ हिस्टोरिकली ऑलवेज बीन सस्टेनेबल। यहाँ पर ज़ीरो वेस्टेज, ज़ीरो एनर्जी डैमेज, हर चीज़ जो है वो हमेशा से रही है। Centuries it has always been there. The so-called modernization has brought actually an imbalance into Ladakh. और उस imbalance से हम फिर वापस दौड़ रहे हैं कि जो पहले लद्दाख था उसी पर वापस चले जाएं किसी तरह। Now this we have to understand that a sustainable Ladakh which Ladakhis themselves have been practicing with some modern changes that has to come back to Ladakh, और जितनी जल्दी आए उतना अच्छा है, क्योंकि वन पार्ट इज़ लोकली हम इसको कितना कंट्रोल कर सकते हैं, पर फिर भी हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है लोकली। आप अगर आज पेंगोंग जाएँ, नुब्रा जाएँ, हर जगह UC के डैमेज टू द नेचर, कहीं पर वाटर बॉटल्स पड़ी हुई हैं, कहीं पर कुछ पड़ा हुआ है, जो गंदगी हम क्रिएट कर रहे हैं। नाउ दिस नीड्स टू बी कंट्रोल्ड। नाउ दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। अब लद्दाख जहाँ पे सबसे साफ पानी है शायद दुनिया का, वहाँ पर हम एक मिनरल वाटर बॉटल लेकर आ रहे हैं, ये तो मतलब इट सीम्स वेरी इलॉजिकल टू मी, बट दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। वी नीड टू चेंज दैट। इसी तरह खाने की हैबिट्स।
अब मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं पूरी दुनिया से कहीं इंपोर्ट करके खाने की चीज़ें यहाँ पर लाऊं या प्रोसेस्ड फूड लेकर आऊं। आज पूरा विश्व ही इस पर वापस जा रहा है कि जो भी लोकली ग्रो होता है वही लोकली कंज्यूम होना चाहिए। द एनर्जी विच इज़ स्पेंट इन ब्रिंगिंग लेट अस से एप्पल्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और इवन एप्रिकॉट्स इन लद्दाख फ्रॉम टर्की, डू आई रियली नीड दिस? प्रोबेबली आई डोंट नीड ऑल दिस। प्रोबेबली आई शुड एडॉप्ट ए सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। तो हमें क्या ज़रूरत है? हमें चाहिए एनर्जी कंजम्पशन, हमें बजाय इसके कि बढ़ता जाए एनर्जी कंजम्पशन, वी हैव टू कीप अंडर कंट्रोल। एनर्जी यूसेज एफिशिएंसी आई नीड टू इंक्रीज। एंड थर्ड पार्ट, आई नीड टू प्रमोट द ग्रीन एनर्जी इन लद्दाख एटलीस्ट। मैं जो कुछ एफर्ट्स हुए हैं उसके विषय में आज बोलना चाहूँगा। जैसा माननीय एमपी साहब ने थोड़ी देर पहले बोला, लद्दाख के यूटी बनने के साथ साथ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैड गिवन ए कॉल दैट लद्दाख मस्ट बी कार्बन न्यूट्रल। व्हाट डज कार्बन न्यूट्रलिटी मीन फॉर लद्दाख? टू मी इट ओनली मीन्स ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैं जितनी एनर्जी खर्च कर रहा हूँ और जितना कंट्रोल कर रहा हूँ उसको, दैट इज़ वेयर माई एबिलिटी लाइज। तो मैं कुछ चीज़ें कार्बन न्यूट्रलिटी के विषय में जो हम लोग कर रहे हैं बोलना चाहूँगा। पहली चीज़, जो पावर सिस्टम्स में पावर अवेलेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट आया, उसका नतीजा ये हुआ है कि आर्मी में भी और सिविलियंस में भी नंबर ऑफ डीजी सेट्स बीइंग यूज्ड हैव कम डाउन। सिर्फ सिविलियन साइट पर ही अगर देखें तो कम से कम आउट ऑफ 60 ऑड डीजी सेट्स, करीब 25-26 डीजी सेट्स ऑलरेडी हट गए हैं। और कोशिश ये है कि अगले 1-2 साल में सारे डीजी सेट्स हम यहाँ से हटा सकें। ना दैट वुड बी अ वेरी बिग इम्प्रूवमेंट एटलीस्ट ऑन द सिविलियन साइड। आर्मी साइड में भी जो एक मेजर कंजम्पशन डीजी सेट से हो रहा था विद इन ले टाउन, रिसेंटली हमने वहाँ पर पावर अवेलेबिलिटी ट्रांसफार्मर लगाए हैं और कम से कम 25 यूनिट्स ऑफ आर्मी दे आर नाउ बिकम डिपेंडेंट ऑन द ग्रिड पावर सप्लाई रिप्लेसिंग द डीजी सेट्स। तो एक मुहिम हमारी चल रही है कि डीजी सेट्स रिप्लेस करें। दूसरा, हमारी कोशिश है कि डिसेंट्रलाइज पावर यूज़ करें। नाउ दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन लद्दाख कॉन्टेक्स्ट। एक तो ये कि द सन इज़ देयर फॉर अस एंड देयर फॉर वी आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग डिसेंट्रलाइज पावर। मुझे ये ज़रूरी नहीं है कि मैं एक जगह ही 500 मेगावाट प्रोड्यूस करूँ कि 1000 मेगावाट प्रोड्यूस करूँ। मुझे हर घर में, हर जगह, हर खेत में डिसेंट्रलाइज पावर लाकर, अगर आप लद्दाख में आज देखें तो करीब 100-200 यूनिट्स हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, विच इज़ द पावर बीइंग गिवन टू लिफ्ट वाटर फॉर इरिगेशन। लाटू विलेज कारगिल में वहाँ से स्टार्टिंग हुई है। और इसको जो डिसेंट्रलाइज पावर है, मैंने वहाँ पर बैटरी भी नहीं लगाई क्योंकि बैटरी की आवश्यकता नहीं, बैटरी इज़ पोल्यूटिंग। आई जस्ट पुट अ सोलर सिस्टम, ए पम्प टू लिफ्ट इट अबाउट 150 मीटर्स, ऊपर टैंक बना दिया एंड द सोलर लिफ्टिंग इज़ वर्किंग। और पूरे लद्दाख से आज डिमांड आ रही है फॉर सोलर लिफ्टिंग। देयर फॉर इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ग्रिड पावर, आई एम गोइंग इन फॉर डिसेंट्रलाइज्ड पावर अवेलेबिलिटी। इसी तरह आप लद्दाख में दूर दूर के घरों में देखें सोलर वाटर हीटिंग, इट इज़ वेरी कॉमन। एंड आवर ऑब्जेक्टिव इज़ दैट इन नेक्स्ट 1 or 2 ईयर्स हम उसको सेचुरेशन कवरेज कर दें, हर घर में सोलर वाटर हीटिंग अवेलेबल हो। सो ऑन द वन हैंड वी आर ट्राइंग टू डू अ मेजर प्रोजेक्ट जो कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस करा है, अबाउट 9 गीगावाट, 9000 मेगावाट ऑफ सोलर बेस्ड एनर्जी, 4 गीगावाट एडिशनली ऑफ विंड बेस्ड एनर्जी। नाउ दिस इज पॉसिबल, इट वुड मीट द टारगेट्स ऑफ द कंट्री विच ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन इन द COP कॉन्फ्रेंस। देश को पूरी
पूरे देश को हम ग्रीन पावर की सप्लाई दे सकते हैं। साथ साथ हमारा खुद का जो डेवलपमेंट मॉडल है वो दोनों चीज़ों पे ही बेस्ड होगा, ग्रिड पावर एज वेल एज डिसेंट्रलाइज पावर। बहुत से ऐसे गांव हैं हमारे जहां पर इट इज़ हार्डली पॉसिबल, चार घर का गांव है, अब उसमें ग्रिड पावर ले जाना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, दैट सीम्स इम्पॉसिबल। तो हमारा ये मानना है कि बजाय इसके कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम है कवरेज का घरों के, कि चार बल्ब जला दिए हम उसको कवर्ड मानते हैं, हम वो नहीं करेंगे। व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज़ कि एक घर का कंजम्पशन अगर हम मान लें एक किलोवाट है, दो किलोवाट है, चार किलोवाट है, जो भी है, उतनी पावर हम सोलर सिस्टम के थ्रू दें, विच मीन्स कि अगर उसको घर में हीटिंग करनी है, उसको वॉशिंग मशीन चलानी है, टीवी चलाना है, हर चीज़ चलाने के लिए डिसेंट्रलाइज सिस्टम से उसको पावर अवेलेबल हो सके। नाउ दिस इज़ द सिस्टम विच वुड बी सस्टेनेबल फॉर लद्दाख। देयरफॉर एनर्जी के क्षेत्र में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, यू आर प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, यू आर प्रोन टू फ्लैश फ्लड्स, यू आर प्रोन टू अर्थक्वेक्स। ऐसी सिचुएशन में बजाय इसके कि एक सिस्टम हो, एक ग्रिड से पूरे लद्दाख को सप्लाई हो रही है, अगर मेरे पास 1000 जगह पावर प्रोड्यूस हो रही है, देन आई एम दैट मच बेटर ऑफ, माय पावर सप्लाई, माय एनर्जी सिक्योरिटी इज फार बेटर विद ए वेरी हैवी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सो दिस इज अ डायरेक्शन इन विच वी वुड लाइक टू मूव। तीसरी चीज़ ब्रॉड एरिया जो मैं बोलना चाहूँगा, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मैंने सोलर की बात करी, मैंने विंड एनर्जी की बात करी, हाइड्रल एनर्जी लद्दाख में काफ़ी टाइम से है, इसको और ग्रो करा जा सकता है। जियोथर्मल एनर्जी जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी 1 मेगावाट का पायलट प्रोजेक्ट सेटअप हो जाए। जियोथर्मल एनर्जी हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन लद्दाख, लोकली अवेलेबल 24 घंटा रहती है, अनलाइक द सोलर एनर्जी जिसमें कि बैटरी के माध्यम से सेविंग करनी पड़ती। नाउ बिकॉज लद्दाख इज़ लोकेटेड ऑन द फॉल्ट जोन ऑफ टू प्लेट्स, द इंडियन प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट, आई थिंक लद्दाख हैज़ ट्रिमेंडस पोटेंशियल ऑन द जियोथर्मल एनर्जी। दैट इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्टेड बाई द नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हॉट वाटर स्प्रिंग्स दैट वी सी। जब सिक्योरिटी की बात होती है, हॉट स्प्रिंग एक जगह का हॉट स्प्रिंग बोलते हैं, लेकिन हमारे पास 50 जगह पर हॉट स्प्रिंग्स हैं, और दैट इंडिकेट्स दैट अ लॉट ऑफ जियोथर्मल एनर्जी इज अवेलेबल हेयर, एंड दिस इज समथिंग विच वी नीड टू टैप। अगेन लोकल डिसेंट्रलाइज्ड पावर सॉल्यूशंस आर पॉसिबल विथ जियोथर्मल एनर्जी, एंड वी इंटेंड टू डू दैट। NTPC अपना एक यूनिट यहाँ पर लगाएगा, शायद अगले साल से वहाँ पर काम शुरू हो जाए। MOU हमने पिछले साल साइन करी थी उनके साथ, सो दैट वुड बिगिन। लास्ट चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा, फ्यूचर ऑफ लद्दाख, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला और इसके बाद बजट में भी रिफ्लेक्ट हुआ, ए हाइड्रोजन मिशन फॉर द एंटायर कंट्री। मैं मानता हूँ कि लद्दाख कैन बी द लीडर इन हाइड्रोजन जनरेशन। हमारे पास ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करने के माध्यम है, जैसा मैंने कहा दैट वी हैव सोलर एनर्जी, वी हैव विंड एनर्जी, वी हैव जियोथर्मल एनर्जी एंड सो ऑन। ये मेरे पास रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम है। दूसरा, मेरे पास पानी है, सो दैट आई कैन ब्रेक अप दैट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इनफैक्ट SECI सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन इज ट्राइंग टू कम अप विद ए इनोवेटिव प्रोजेक्ट जिसमें ये फ्रैक्शनलाइजेशन के बाद ऑक्सीजन कैन बी यूज्ड इन द हॉस्पिटल्स एंड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ पावर सोर्स। सो दैट इज़ अ न्यू एक्सपेरिमेंट विच वी आर ट्राइंग टू लॉन्च विद द हेल्प ऑफ SECI इन लद्दाख। नाउ दिस इज समथिंग विच वुड बी रिमार्केबल। ऑक्सीजन इज शॉर्ट इन लद्दाख, एवरी टूरिस्ट नीड्स इट, एवरी पेशेंट नीड्स इट, एंड इफ़ आई कैन हैव थ्रू हाइड्रोजन गुड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड एट डिसेंट्रलाइज लोकेशंस, इट इज़ गुड फॉर लद्दाख। नाउ हाइड्रोजन हमारे लिए हर तरह से 2-4 महीने हम कम से कम रेस्ट ऑफ द कंट्री से कट ऑफ रहते हैं, उसके लिए हमें पेट्रोलियम स्टोर करना पड़ता है। पेट्रोलियम इन एनी केस इज़ नॉट अ गुड सोर्स बिकॉज इट इज़ पोल्यूटिंग माई ग्लेशियर्स।
Therefore, I feel that hydrogen is the best energy source for the households, for the transportation system, for everything in Ladakh. My own vision, my own dream is that Ladakh would become the first UT in the country or first state in the country to be totally run on hydrogen as the energy. Now, this is what would show to the country and to the world what is possible and what is sustainable in the Himalayan ecosystem. Because Himalayas mein main jitna petrol or diesel use karunga, utna hi damage hoga. Just for information, there are some studies available ki Ladakh ya Himalayan region mein jo environment hai, that impacts on the monsoons of this country. Now, I can't damage the ecosystem here because it is going to cut off the lifeline of the country. And therefore, the message for Power Foundation of India and message for rest of the country is this, that protect the Himalayan ecosystem. It is extremely important for not only this ecosystem, but for the country and for the world, for the entire ecosystem of the world, for the global commons, it is important. Therefore, messages here are very simple. Ladakh has always been carbon neutral. You have become a little carbon non-neutral. We should go back to carbon neutrality as fast as possible. Number two, we should go in for hydrogen as much as possible. It is very important for us. And this is where I feel the future lies. And that culture of sustainability, jitna hum promote kar sakein, that would be great for Ladakh. Now, these are the things which we have to sort of learn again. Kyunki ye learning to Ladakh mein hamesha thi. Ye learning jo hai, hame sirf relearn karna hai, hamari young generation ko, hamari older generations ko ye cheez phir se dhyan mein lani. This is the objective of conferences like this. This is the objective of Sumangalam program, that आप सोचें और इस डायरेक्शन में आप भी चलें, पूरे देश को चलाएं. Now this is what we are looking forward to through this conference. I am sure that one full day of deliberations would imprint on every mind here that this is the right direction for the country, for the world. So I wish all success to the Power Foundation for the effort. I thank them for making a beginning from Leh, and I wish you all the very best. Thank you. Namaskar.